दोस्तों, हिंदी यानी कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा फिल्म आने वाला रहता है, जिस फिल्म का नाम है पठान। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म का इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी और इतना ज़्यादा विवाद होता है बिहार में कि लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये फिल्म तो फ्लॉप होगा ही होगा। लेकिन जब भी इसका ट्रेलर रिलीज होता है यूट्यूब पे, तो दोस्तों देख सकते हैं ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये फिल्म का ट्रेलर चल रहा है, जिस फिल्म का नाम है पठान। दोस्तों, इसमें स्टार कास्ट शाहरुख खान जी है। लेकिन इस फिल्म के बारे में अपने भोजपुरी का सुपरस्टार खेसारी लाल यादव क्या बोले हैं, कैसे बोले हैं, आइए आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार, मैं सोनू, आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म को बिहार में इतना ज़्यादा एकदम टॉर्चर किया गया, कंट्रोवर्सी किया गया कि इस फिल्म को नहीं देखना है, बायकॉट करना है। लेकिन इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है यूट्यूब पे, जो कि अभी 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो कतई नहीं लग रहा है कि इस फिल्म को फ्लॉप किया जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म को बड़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेलर को, और बस कुछ ही दिन में हॉल में भी लगने लगेगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में भोजपुरी इसके सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इससे वाला कुछ सवाल पूछते हैं कि भैया, ये फिल्म में जो गाना बनाया गया है वो हिंदुओं धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा है, लोग ऐसा समझ रहे हैं ऐसे ऐसे गाना से। लेकिन दोस्तों, खेसारी लाल का यहाँ पे ये सवाल आता है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, कोई वगैरह वगैरह नहीं होता है। कलाकार बस एंटरटेनमेंट के तौर पे होता है, और कलाकार सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, और कोई जात बात वगैरह से मतलब उनको नहीं रहता है। खेसारी लाल यादव जी का यही कहना है। लेकिन दोस्तों, इसका कहना बिहार वालों के लिए बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, और अब हो सकता है कि खेसारी लाल के ऊपर भी कुछ कार्रवाई और कुछ पब्लिक के द्वारा कुछ उनको सहना पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। प्लीज़, अगर समझ गए हैं तो आप लोग उस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।